हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल अपना किचन एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की डिश पूरन पोली। चलिए उसके लिए जो सामग्री चाहिए बताते हैं। एक कटोरी मैदा, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, इलायची इसको पीस लेना है, नमक, हल्दी, देसी घी, तेल। चलिए दाल को 1 घंटे के लिए फुलो के रख देते हैं। ये देखिए 1.5-2 घंटे के लिए दाल मैंने फूलने के लिए रख दी थी, ये फूल चुकी है। अब इसको बॉयल करना है। एक कुकर में दाल डाल लिया है, इसमें हम पानी डाल लेते हैं। जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी डालेंगे। इसी के साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अब इसको 5-6 सीटी होने तक के लिए ढक के रख देते हैं। चूल्हे को ऑन करके कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब इसमें 5-6 सीटी हो जाने देते हैं, जब तक के लिए मैदे को सान लेते हैं। ये देखिए दाल पक चुकी है। अब इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। एक बड़ी थाली या परात लेते हैं, जो आटा लिया था उसको लेते हैं, साथ ही में मैदे को भी डाल लेते हैं। इसी में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं मिक्स करने के लिए। लमसम 5 चम्मच तेल है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ में एक चुटकी नमक भी डाल लेते मिक्स हैं। करते करते इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए ताकि कलर आ सके पीला पीला। तेल मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सानते हैं। थोड़ा ही थोड़ा पानी डाल के इसको सानना है ताकि ये गीला ना हो जाए। चलिए डो रेडी कर लेते हैं। डो तैयार है। इसको सूती कपड़े से ढक के रख देते हैं। इसके अंदर भरने वाला पैटर्न तैयार करते हैं। इसी तरह से ढक के रख दीजिए। पोलन पोली जो आज हम बनाने जा रहे हैं, यह महाराष्ट्र की डिश है, वहाँ पे बहुत पसंद की जाती है। जो दाल मैंने दूसरे बर्तन में रखी थी उसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं। हमारी दाल पूरी तरह से गल चुकी है। इसको जो है आलू मैश करने वाले बर्तन से इसी तरह से मैश कर लेते हैं। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं इसको। देखिए दाल हमारी मैश हो चुकी है। इसी प्रकार से गुड़ को भी बारीक पीस लीजिए। गुड़ को भी बारीक कर लिया है हमने। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें देसी घी डालते हैं। जिस प्रकार से हलवा बनाया जाता है उसी प्रकार से ही इसको पिसी हुई दाल को फ्राई करना है। आधी कटोरी मैंने घी ली थी। आप इसको मक्खन में भी बना सकते हैं। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें पिसी हुई दाल को डाल देते हैं। अब इसको फ्राई कर लीजिए ताकि इसकी नमी निकल जाए। इसको फ्राई कीजिएगा ताकि ये थोड़ा ठोस हो सके। पोरन पोली घर में ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। इसको आप किसी भी त्योहार में बना सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है।
ये देखिए ये सूखने लगा है। अब इसी में जो हमने जो पीसी हुई गुड़ लिया था उसको डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए गुड़ को डालने के बाद पक रहा है ये। इसी में जो इलायची ली थी उसको भी पीस लिया है, पाउडर बना लिया, उसको भी इसी में डाल लेते हैं। बस 5 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख देते हैं। चलिए पोलन पोली बनाने के लिए आटे की लोई बना लेते हैं। इसको कटोरी का शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से कटोरी बनानी है। अब इसको इस तरह से भर देना है। आटे की सहायता से या मैदा ले सकते हैं या आटा ले सकते हैं। इसको इसी तरह से भर दीजिए। ये देखिए इसी तरह से भर लीजिए सारी लोइयों को। इसी तरह से सारी लोइयों को भर के तैयार कर लीजिए। सूखे आटा या मैदा की सहायता से लोई को इस तरह से बढ़ा लीजिए। पैन लेते हैं, इसको गरम कर लेते हैं। इसी में घी लगा लेते हैं। पैन गरम हो गया है, इसको भी मैंने बेल लिया है। अब इसको जो इसी में डाल देते हैं। इसके ऊपर से भी थोड़ा घी लगा देते हैं। जिस प्रकार आप पराठा बनाते हैं उसी तरह से इसको भी सिकाई करनी है। चलिए इसको पलटते हैं। इस तरफ से भी थोड़ा घी लगा देते हैं। इसी प्रकार से सारे पूलन पोली तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से सारे पूलन पोली तैयार हो चुके हैं। चलिए सर्विंग के लिए दिखाते हैं। हमारी पूलन पोली तैयार हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको आप रबड़ी से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।